मुख्यमंत्री के पास गए और हम लोग को कहा गया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं अविलंब नोटिफिकेशन जारी करूंगा। देखिए, छात्र मांग करेंगे तो लाठी चार्ज की जाएगी, छात्र अगर अपना अधिकार मांगेंगे तो लाठी चार्ज की जाएगी। सैकड़ों की संख्या में राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर जो अभ्यर्थी हैं सीटेट के बीटेट के वो पहुंचे थे और इसी क्रम में जो लाठी चार्ज है वो की गई है और एक छात्र घायल हो गए हैं। जो स्थिति है वो बताता है कि क्या इस लोकतांत्रिक देश में अपना अधिकार मांगने पर छात्रों को लाठी मिलेगी, क्या छात्रों को जवाब लाठी से दिया जाएगा। छात्र जब प्रदर्शन कर रहे हैं बैरिकेड करके, छात्र को रोका गया उसके बाद लाठी चलाना कहा। और इस महागठबंधन की सरकार ने जब युवाओं को उम्मीद लगी आगे उनके पर खड़े उतरेंगे, जो वादे तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर दिया, जो आश्वासन तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार में छात्रों को दिया, वो जब छात्र नई सरकार में अधिकार मांगेंगे तो मिलेगा, तो वो अब कहीं ना कहीं लाठी के बदौलत अधिकार दिया जा रहा है। देखिए, जो एडीएम है के से इनके द्वारा जो देखिए जिस तरीके से हुआ हाथापाई की जो परिस्थिति है वो बन गई है, पत्रकार और जो प्रशासन है वो हाथापाई करने लगे हैं। तो सवाल जब आप पूछिएगा तो जवाब यही मिलेगा और ये छात्र आज जब सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें लाठी से जवाब दिया जा रहा है। और अब जब देखिए तस्वीर की किस तरीके से जब पत्रकार लाठी चलाने पर सवाल पूछ रहे हैं तो पत्रकारों से हाथापाई की जा रही है, ये सिस्टम है और ये अधिकारियों की जो मनमानी है राजधानी पटना में दिख रही है। तो क्या यही सुशासन है और क्या यही युवा नेतृत्व है बिहार का? एक तरफ छात्र को लाठी से पीट कर घायल कर दिया जाता है, वो सड़क पर बैठा रहता है, दूसरी तरफ लाठी चलाने वाले से जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल पूछने वालों को धक्के दिए जाते हैं, गिरबान पर हाथ डाला जाता है, भद्दी भद्दी गालियाँ की जाती है। जो अधिकारी लाठी चार्ज करते हैं उन्हें भीड़ से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी? छात्र शांतिपूर्वक जब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन है, बैरिकेड के माध्यम से इन्हें रोक दिया गया है, उसके बाद अगर लाठी चलाई जा रही है तो निश्चित तौर पर ये मनमानी है प्रशासन की। जिस तरीके से छात्र को घायल किया गया है ये बड़ा सवाल है। क्या अब जब छात्र सड़क पर उतर कर अपना अधिकार मांगेंगे तो उस अधिकार में लाठी से जवाब दिया जाएगा? तो जिस तरीके से इन तमाम अधिकारियों ने उस शख्स उस अधिकारी को भगाने का काम किया जिनके लाठी से छात्र घायल हुए हैं, सर फट गया है, तो ये जवाब कौन देगा? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है बिहार का? क्या यही काम करने का तरीका है प्रशासन का? छात्र देखिए, हम एक बार फिर तस्वीर दिखाएंगे, कोई हुड़दंगई नहीं हो रही, छात्र खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाठी चार्ज की जा रही है, हमारी सरकार है बहुत ही घटिया सरकार, विशेषकर हम शिक्षा मंत्री को कहना चाहेंगे, हमारा कल्याण शिक्षा मंत्री है, उनके चंद्रशेखर चंद्रशेखर को वो अभी तक हो चुके हैं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हम हजारों शिक्षण के अनुरोध में करें, हम लोग बोल ले गए, पहले लाठी चार्ज होता था, तेजस्वी यादव कहते थे सरकार मनमानी कर रही है, आज के साथी को पीटा गया, आज हमारे साथी को मारा गया, वो एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास गए हैं। आप शिक्षा मंत्री शरण कीजिए और यहाँ पे हम लोग मौजूद कीजिए और हमारी बेइज्जती है उसके जारी कीजिए। जिस अधिकारी ने लाठी को चलाया उसे यहाँ जिस अधिकारी ने हमारे यहाँ लाठी चलाया कहा जा रहा है कि भगा दिया, लेकिन हम लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। जब तक हमें बीजेपी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। याद है हम लोग 1-5
जगह कौन के आवास पर गए थे और हम लोग को कहा गया था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं अविलंब नोटिफिकेशन जारी करूंगा, लेकिन आज उनकी सरकार आई तो वो भी फिसलाज जैसा आँख बंद किए हुए हैं। हम लोग जान हक के आए हैं, मरेंगे या मारेंगे या मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। देखिए मंजूर है, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव से भी है, क्योंकि जब तेजस्वी विपक्ष में थे तो सवाल ये था कि सरकार काम नहीं करती, सरकार रोजगार नहीं देना चाहती, सरकार के पास नीति नहीं है। और आज जब महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव उसमें डिप्टी सीएम है, शिक्षा विभाग तेजस्वी यादव के ही विधायक के पास है, मंत्री अंतर प्रोफेसर चंद्रशेखर, और लाठियाँ चलाई जा रही हैं, छात्र को घायल किया जा रहा है, और जिस अधिकारी ने लाठी चलाई उसे भगा दिया गया। बहरहाल आज क्या कुछ होगा इस प्रदर्शन में, क्या